अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद से और आज की हमारी वीडियो है बायोसेंस प्रोडक्ट्स के बारे में दिस इज एक्चुअली बायोसेंस स्किन केयर हॉल एंड आई एम गोन शो यू द प्रोडक्ट्स आई एम करंटली यूजिंग इन माय स्किन केयर रूटीन एज वेल और हम uh, जो माई uh, परचेज हैं इनको भी डिस्कस करेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्राम देयर बायोसेंस कलेक्शन आई वुड लाइक टू शो यू

एंड नाउ आई हैव ऑर्डर्ड द फुल साइज प्रोडक्ट्स और उसमें दिस स्कॉलन मेगा रिपेयर क्रीम इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फेवरेट मॉइस्चराइजर और यू कैन टेल बाई दिस कि एक मेरे पास ये है एंड द सेकेंड वन आई हैव इज दिस वन सो दिस इज द क्रीम आई एम करेंटली यूजिंग और दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हाइड्रेटिंग आई लव इट आई लव इट लव इट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड मॉइस्चराइजर तो दिस वन इज़ रियली परफेक्ट ये बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है इट्स नॉट रियली ऑयल बेस्ड ये आपके चेहरे को ऑयली नहीं करती और दिस इज़ रियली रियली गुड और मैं इसका इंडिविजुअल रिव्यू भी पोस्ट कर दूँगी सो आई हैव अ बैकअप हेयर बिकॉज आई लव इट एंड आई थिंक दिस क्रीम इज़ वर्थ बाइंग सो so, uh, उसके अलावा मेरे पास ये सेकेंड ट्यूब uh, है ऑफ द मिनी आई लव देयर आई क्रीम एज वेल ये इनका सॉलिन पेप्टाइड आई क्रीम है एंड गाइस इट इज़ अमंग दोज आई क्रीम्स जो जिनसे आपको रिजल्ट मिले ये बिल्कुल आई एरिया को हाइड्रेटेड करता है और ऐसे प्लमी प्लमी सा कर देता है देन आई हैव दिस स्कॉलिन प्लस लैक्टिक एसिड और ये नाइट सीरम है इट्स रीसर्फिसिंग नाइट सीरम और आज कल मेरे स्किन रूटीन में जो स्किन के रूटीन में रात को आई एम यूजिंग दिस वन एंड आई एम लविंग इट दिस इज द फर्स्ट टाइम बाई द वे आई एम यूजिंग इट मिनीस में भी आई डोंट रिमेंबर मैंने यूज किया यानी बट फुल में आई एम लविंग इट न दिस इज़ देअर लिमिटेड एडिशन और ये एमी सॉन्ग के साथ इनका कोलेब्रेशन था सॉन्ग ऑफ स्टाइल और दिस वन इज़ देअर स्क्लिन प्लस वाइटामिन सी रोज ऑयल इनका जो रेगुलर स्क्लिन प्लस वाइटामिन सी रोज़ ऑयल है वो मैंने यूज़ किया हुआ है एंड दैट वन इज़ वंडरफुल एज वेल दूसरी बात मैं आपको ये बताती चलूँ कि बायोसेंस के जो प्रोडक्ट हैं दे आर हंड्रेड परसेंट वीगन दे आर कैमिकल फ्री दे आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड टोटली वर्थ द मनी अच्छा गाइज आई गॉड टू शो यू दिस प्रोडक्ट और मैंने ये जो मेरी मेन फिल्म है इसमें इसको एड करना मैं भूल गई थी सो नाउ आई एम एडिंग इस पूरे क्लिप में एंड दिस इज स्कॉलिन प्लस रेटनॉल सीरम अच्छा जी आपको सबको पता होगा कि रेटेनॉल इज एक्चुअली वाइटामिन एंड इट हेल्प्स विद यू नो रिंकल्स एंड बेसिकली इट्स एंटी एजिंग सो इस पर लिखा हुआ है रिड्यूस विजिबल लाइन्स एंड रिंकल्स और रेटनॉल के बारे में मैं ये बता दूँ फिर न्यू टू रेटनॉल तो रेटनॉल हमेशा अपनी स्किन में आप बहुत लेस uh, परसेंटेज से ऐड करें एंड हमेशा 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 ऑलवेज रिमेंबर टू डू अ पैच डिस्ट बिफोर अपलाइंग एनी थिंग रेटरॉल बेस्ड यूर स्किन एक और uh, एक चीज बताती चलूँ कि ये कोलाजिन uh, भी बूज करता है और हमारी ब्लड uh, वेसल्स को पंप करता है ताकि हमारी स्किन जो है वो रिफ्रेश रहे नाउ एम जस्ट गोइंग टू शो यू अ क्लोज अप ऑफ एवरी प्रोडक्ट आई हैव दिस वन वॉज रेटिनॉल एंड स्कॉलिन सीरम देन वी हैव स्कॉलिन प्लस पेप्टाइड आई जेल देन दिस इज माई फेवरेट स्कॉलिन लैक्टिक एसिड रिसर्फिंग नाइट सीरम एंड इट इज इट इज़ रियली अमेजिंग आई वु रियली रिकमेंड दिस वन एंड देन वी हैव स्कॉलिन प्लस वाइटामिन सी रोज ऑयल एंड इट वॉज अ लिमिटेड एडिशन ये वाली पैकेजिंग में बट uh, आप दूसरी पैकेजिंग में स्कॉलिन प्लस वाइटामिन सी रोज ऑयल ले सकते हैं देन वी हैव स्कॉलिन प्लस एंटी ऑक्सीडेंट क्लिनजिंग ऑयल आई नीड टू ट्राई दिस वन मैंने इनका वाइटामिन सी रोज ऑयल ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है स्कॉलिन के साथ उसकी पैकेजिंग डिफरेंट थी एंड दिस वन लिमिटेड एडिशन एंड दिस वन इज माय मोस्ट मोस्ट फेवरेट मॉइस्चराइजर एंड दिस इज स्कॉलिन प्लस ओमेगा रिपेयर क्रीम एंड आई लव दिस प्रोडक्ट सो मच सो इफ यू लुकिंग फॉर समथिंग जिसमें केमिकल्स ना हों जो स्किन को डैमेज करें तो यू शुड डेफिनेटली चेक Their range out because I am in love with these products. So that's it for today, guys. I hope you enjoyed the video. Please uh, like the video, press the bell icon, and subscribe to my channel. Share the video as well. If you have any uh, question and queries, you can comment down below. Follow me on Instagram and uh, check out my website, gossip.com Thank you. allah hafiz.